हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली यादव रेसिपीज़ एंड ब्लॉग। तो आज हम लोग बनाएंगे मटर का निमोना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिए हैं 2 बड़े प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा हरा धनिया। इन सबको बारीक कट कर लेंगे और मिक्सी में पीस लेंगे। और हमने यहाँ पर मटर छील के रख लिया है, 2 आलू कट कर लिए हैं। तो प्याज और हरी धनिया, हरी मिर्च और लहसुन को हमने मिक्सी में डाल के पीस लिया था। टमाटर को हमने नहीं पीसा था, आप लोग चाहें तो उसको पीस के भी डाल सकते हैं। टमाटर तो ऐसे ही गल जाते हैं, टमाटर डालो उसके बाद नमक डाल दो तो ऑलरेडी ऐसे ही गल जाते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमारा जो भी प्याज और लहसुन वगैरह था वो सब पीस लिया था हमने। इसके बाद हमने पीसा था मटर। मटर को पीसने में हमें काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि मेरे जो जार के ब्लेड हैं वो इतने शार्प नहीं हैं। तो उसके बाद लिया था कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल और आलूओं को इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। हमें 80-90% इसको कुक कर लेना है। और इसी बचे हुए तेल में हमें जो मटर हमने पीस के रखा था उसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो आलू हमारे फ्राई हो चुके थे, आलू को एक प्लेट में अलग निकाल के रख देंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे मटर जो कि पीस के रखा हुआ था, और इसको इसी तरह चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे। मटर हमारा भून चुका था, साइड में हमने रख दिया था। और उसके बाद कढ़ाई को साफ करके हमने इसमें तेल डाला। उसके बाद हमने इसमें डाला था जीरा। जीरा पक जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 काली मिर्च। आप लोग चाहें तो अपनी पसंद के और भी खड़े मसाले डाल सकते हैं। इसमें हमने 2 से 3 डाले हैं तेज़पत्ते। और इसके बाद इसमें डाल देंगे जो हमने लहसुन प्याज और हरी धनिया वगैरह का जो भी पीस के रखा था बैटर। और इसके बाद इसको ढक्कन लगा दिया था इसमें क्योंकि हमने पानी डाल के पीसा था थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है ब्लेड शार्प ना होने की वजह से जो है अच्छे से बारीक नहीं पिस रहा था। तो थोड़ा सा पानी डाला था इस वजह से। जैसे ही मैंने ये बैटर डाला तेल में, ये जो है छींटे बहुत तेज़ से पड़ने लगे, तो 2 मिनट के लिए मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया था। तो यहाँ पे इसी तरीके से 5 से 7 मिनट तक हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। अच्छे से हमें इसको पकाना है। और ये देखिए तेल वूज आउट होने लगा है साइड से, तो हम इसमें डाल देंगे मसाले, जो भी मसाले का पेस्ट बना के रखा था, हरी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, और थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें सब्ज़ी मसाला। और इसको मसाले को इस बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो थोड़ा सा आप लोग चाहें तो यहाँ पे पानी भी डाल सकते हैं क्योंकि पानी जो मसालों का घोल बनाया था उसमें कम था, तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। और इसको हम पका लेंगे ऐसे अच्छे से चलाते हुए। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम मटर जो कि पीस के रखा था, और यहीं पे डाल देंगे टमाटर। और इसके बाद डाल दिया था हमने नमक। इसके साथ ही इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक दूसरे के साथ। इसके बाद लगा देंगे ढक्कन हम, और थोड़ी देर ऐसे ही पका लेंगे। अभी हमने आलू नहीं डाले थे तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक और डाल दिया है हमने। टमाटर के साथ हमने थोड़ा सा नमक डाला था तो इसके बाद हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है, और मिक्स कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे पानी। पानी आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालें, जितना आपको
इसमें पानी चाहिए, आप उसी हिसाब से पानी डालिए, जिस जितना आपको थिक चाहिए तो आप कम पानी डालिए, आपको ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप ज़्यादा पानी डालिए। उसके बाद यहाँ पे ढक्कन ढक के पका देंगे, 8 से 10 मिनट तक हमने पकाया है, और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग बनने वाली है। और इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे आलू, जो कि फ्राई करके रखे हुए थे, ये ऑलमोस्ट पके हुए थे, बस इसको थोड़ा सा इस सब्ज़ी के साथ पकाना था, तो एक बार और ढक्कन ढक के पका देंगे, और बन के रेडी हो चुकी है हमारी ये डिश। तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग ट्राई करने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.